अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बठिंडा में फंसे कश्मीरी लोगों को जम्मू अपने घर लेकर जाने वाली बसों को सरहाली से किया वापस। बठिंडा कोरोना वायरस के चलते लगाए गए कर्फ्यू के दौरान बठिंडा प्रशासन द्वारा फंसे कश्मीरी लोगों को वापस उनके घर भेजने के लिए सुबह 9 बजे बठिंडा से 4 बसें रवाना की गई थी, जिन्हें सरहाली से वापस बठिंडा मोड़ दिया गया है। दोपहर करीब 2:30 बजे बठिंडा में पहुंचे कश्मीरी लोगों ने बताया कि वह अपनी सरकार से बेहद निराश है, क्योंकि काफी लंबे समय से वह बठिंडा में फंसे हुए हैं और उनके पास कोई खाने का सामान भी नहीं मौजूद और न ही राशन खरीदने के लिए पैसे हैं। उनमें कई लोग बीमार भी हैं जिनका इलाज करवाना जरूरी है। वही कश्मीरी लोग जम्मू सरकार द्वारा वापस न बुलाए जाने पर बेहद निराश हैं और जम्मू सरकार से मांग कर रहे हैं कि चाहे उन्हें अपने वतन में बुलाकर एकांतवास किया जाए या उनका इलाज करवाया जाए, इससे उन्हें कोई परवाह नहीं है, पर उन्हें अपने घर पर वापस भेजा जाए क्योंकि वह भी वहां के नागरिक हैं। आपको बता दें कि आज सुबह बठिंडा जिला प्रशासन द्वारा 4 बसें जिनमें करीब 90 सवारियों को जम्मू जाने के लिए रवाना किया था। मेरा नाम बलदेव सिंह है। आज तुसी लेके गए सी कश्मीरी उत्ते छड़न जा रहे सी, की कारण वापस आए? ये बठिंडा एडमिनिस्ट्रेशन का हुक्म सीगा और साढ़े प्रशासन का हुक्म सीगा सानू भी इन्हां नूं इन्हां दी मतलब घर तक पहुंचाने वास्ते ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਲਖਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ J&K ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ। रौफ अहमद है। अच्छा, क्या हुआ आप वापस? देखिए सर, हम यहाँ पे काफ़ी टाइम से लॉकडाउन में है सर, बिल्कुल लॉकडाउन का पालन किया जितने भी आप देख रहे हैं सर, जो कि सेकंड फेज भी स्टार्ट हुआ सर, हम निकले नहीं है रूम से सर, ठीक है सर। कहीं ना करके जो हमारे पास पैसे थे सर, खुद के पैसे हमने खर्च किया, कई एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, बठिंडा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मदद किया सर। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कल हमें कॉल आती है, आप 6 बजे रेडी रहिए, आप हमको हम आपको यहाँ से भेज देते हैं, ठीक है सर। जो यहाँ से इन्होंने 6 बजे निकाला सर, अभी हम खुश थे, बड़े खुश थे, हम घर जा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स है, इसमें कुछ पेशेंट्स है, लेडीज़ भी है सर, अंदर आप चेक कर सकते हैं। और जो ही हम तरमदार पहुंचे सर, तरमदार पहुंचते ही हमें बोला गया कि आपका जो कि JK एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है, आपको वापस जाना होगा सर, ठीक है सर। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, JK एडमिनिस्ट्रेशन हमें अलाउ क्यों नहीं कर रहा? अगर वहाँ पे कुठुआ में 1200 RD क्वारंटाइन थे, दे हैव क्लियर दैट, उन्होंने उनको भेजा आगे, आप वहाँ पे कुछ नहीं रहा। अगर कल यहाँ पे बटाला अमृतसर से कल 4 गाड़ियाँ गई है सर, उसमें से 120% से देवर आल्सो लेबर सर, उनमें कोई स्टूडेंट नहीं था, उनको क्वारंटाइन किया गया सर, उनको कुठुआ में क्वारंटाइन किया गया। अगर हम वहाँ पे अमृतसर पहुँच के हमें क्यों वापस भेज दिया सर? हमें सर बहुत सारी मुश्किलें, हम JK एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं सर, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, गर्मी है, आप सब जानते हैं सर, बठिंडा जो कि पंजाब डिस्ट्रिक्ट में सबसे हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है सर, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है सर, ठीक है सर। और आगे माह रमज़ान आने वाला है सर, बहुत दिक्कत है सर, बहुत अच्छा महीना आने वाला, पाक महीना आना, हम चाहते हैं कि इस मतलब महीने में हम घर में रहें सर। मैं आपकी चैनल की वसादत से आपने JK एडमिनिस्ट्रेशन जो कि लेजी एडमिनिस्ट्रेशन है सर, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे लिए कोई बंदोबस्त कीजिए, हमें अलाउ कीजिए। अगर मैं ये भी कहता हूं सर, साथ साथ सर, अगर 15 दिन का क्वारंट, हम ये नहीं कहते उन्हें कि आप हमें सीधा JK मतलब कश्मीर में अलाउ करें सर, मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं ये कहता हूं कि आप हमें वहां पे क्वारंटाइन कीजिए सर, अगर 15 दिन का क्वारंटाइन, हमें 20 दिन रोक लीजिएगा सर वहां पे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।